विजय का केस वापस गरम हो गया, पुलिस सॉलिड एक्शन में। पूरे शहर में ये बात फैल रही है कि विजय भाव ने बॉडी वही छिपाई है। बड़ा सर 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 तो ये कौन सा जानवर है जी निकर पहन के आए। तो फाइनली दोस्तों, इंडियन बॉक्स ऑफिस पर इस हफ्ते रिलीज होने वाली बॉलीवुड की मच अवेटेड फिल्म दृश्यम 2 ने तो इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ का आंकड़ा पार करके दुनिया भर में 150 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार करने वाली इस साल की बॉलीवुड की चौथी हाईएस्ट ओपनर फिल्म बन चुकी है। लेकिन दोस्तों, इस फिल्म को कल से वरुण धवन की मच अवेटेड फिल्म भेड़िया से काफी कड़ा कॉम्पिटिशन मिलने वाला है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वरुण धवन की फिल्म भेड़िया की अभी तक की टोटल एडवांस बुकिंग कलेक्शन के बारे में, बात करने वाले हैं दोस्तों इस फिल्म के फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस प्रोडक्शन की, वहीं बात करने वाले हैं दोस्तों दृश्यम के अभी तक के टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा अगर आप भी इन दोनों ही फिल्मों का इंतजार बेसब्री से कर रहे थे और बॉक्स ऑफिस बॉलीवुड और साउथ से जुड़ी सही अपडेट चाहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग यहां पर बात कर लेते हैं फिल्म भेड़िया की अभी तक की टोटल एडवांस बुकिंग कलेक्शन के बारे में, जैसे कि इंडियन बॉक्स ऑफिस पर कल लगभग 2500 से 2800 स्क्रीन पर रिलीज किया जाना है। और इस फिल्म के लीड में आपको बॉलीवुड के यंग जनरेशन सुपरस्टार वरुण धवन, कृति सेनन, दीपक दोब्रीवाल और अभिषेक नजर आने वाले हैं। दोस्तों बताते चले आपको कि अमर कौशिक के डायरेक्शन में बनने वाली ये एक हॉरर एडवेंचरस कॉमेडी फिल्म है जिसमें दोस्तों आपको काफी मजा आने वाला है क्योंकि इस फिल्म के टीजर और ट्रेलर को तो ऑडियंस की तरफ से काफी पसंद किया गया है। लेकिन दोस्तों, इस फिल्म को इंडियन बॉक्स ऑफिस पर अपनी उम्मीदों के हिसाब से ओपनिंग मिलती हुई नजर नहीं आ रही क्योंकि दोस्तों इस फिल्म की जो एडवांस है वो इंडियन बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास नहीं रही है। हालांकि दोस्तों, वरुण धवन की इस फिल्म की जो एडवांस है वह पिछले 24 घंटों में लगभग 50 लाख से ज्यादा रही है जो कि एक तरह से एक अच्छा रीजनेबल टोटल है। लेकिन अगर बात की जाए अभी तक के टोटल एडवांस की तो दोस्तों बता दें आपको कि वरुण धवन की इस फिल्म की अभी तक की जो टोटल एडवांस है वो इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर 1.5 करोड़ रुपए के आंकड़े को विदाउट ब्लॉक सीट के साथ पार कर चुकी है। ब्लॉक सीट के साथ इस फिल्म की जो एडवांस है वो 2.5 करोड़ रुपए के ही आंकड़े को छू पाई है जो कि दोस्तों उम्मीदें थी कि इस फिल्म की जो एडवांस है वो लगभग 5 से 6 करोड़ रुपए के आंकड़े को छू देगी। हालांकि दोस्तों, अभी भी कुछ घंटे बचे हुए हैं जब तक दोस्तों ये फिल्म उम्मीद है लगभग 2 करोड़ रुपए की एडवांस विदाउट ब्लॉक सीट के साथ और 3 करोड़ रुपए की एडवांस ब्लॉक सीट के साथ कर ले। लेकिन दोस्तों, फिलहाल में इस फिल्म की जो एडवांस है वो 1.5 करोड़ की ही हो पाई है। बात की जाए इस फिल्म के फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस प्रोडक्शन की तो दोस्तों उम्मीदें थी कि ये फिल्म अपने पहले दिन डबल डिजिट का आंकड़ा पार कर देगी। लेकिन दोस्तों, फिलहाल की एडवांस को देखते हुए लग रहा है और दृश्यम से मिल रहे कॉम्पिटिशन के बावजूद लग रहा है कि यह फिल्म अपने पहले दिन लगभग 8 करोड़ रुपए की ओपनिंग इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर ले सकती है। इंडियन ग्रॉस बॉक्स ऑफिस पर जरूर यह फिल्म 10 करोड़ रुपए के आंकड़े को छू सकती है। ऑडियंस की तरफ से अगर अच्छे रिव्यूज इस फिल्म को मिलते हैं तो इस फिल्म का अपने पहले दिन का जो कलेक्शन है वो काफी अच्छा रहने वाला है। साथ ही साथ दोस्तों, लाइफ टाइम में यह फिल्म 100 करोड़ रुपए के आंकड़े को छू सकती है। बात की जाए दोस्तों यहां पर आप सुपरस्टार अजय देवगन की फिल्म दृश्यम 2 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और कल की एडवांस के बारे में। दोस्तों बताते चले आपको कि दृश्यम 2 जिसे कि इंडियन बॉक्स ऑफिस पर इस हफ्ते 3300 स्क्रीन पर रिलीज किया गया था जो कि एक सस्पेंस थ्रिलर फिल्म है और इस फिल्म के लीड में आपको बॉलीवुड के मास महाराजा अजय देवगन, तबू और अक्षय खन्ना नजर आए थे। दोस्तों बताते चले आपको कि लगभग 60 से 65 करोड़ रुपए के बजट से बनने वाली दृश्यम 2 को इंडियन बॉक्स ऑफिस पर जहां अपने पहले दिन 15 करोड़ रुपए से बड़ी ओपनिंग मिली जो कि इस साल बॉलीवुड के लिए एक अहम ओपनिंग रही। तो वहीं दोस्तों, शुरुआती 3 दिनों में ऑडियंस की तरफ से मिल रहे आउटस्टैंडिंग रिव्यूज की वजह से यह फिल्म 65 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार करने में कामयाब रही। अपने फर्स्ट वीकेंड में दोस्तों इस फिल्म के जो कलेक्शंस थे वो इस साल के टॉप 3 हाईएस्ट ओपनिंग फिल्मों में से एक थे। बात की जाए दोस्तों यहां पर इस फिल्म के अगर विगडेस के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस की तो दोस्तों विगडेस में भी ये फिल्म काफी स्ट्रॉन्ग होल्ड करती हुई नजर आई और इस फिल्म ने जहां अपने चौथे दिन इंडियन बॉक्स ऑफिस पर कमाए थे 11 करोड़ 87 लाख रुपए, तो वहीं दोस्तों अपने पांचवें दिन इस फिल्म के कलेक्शंस 10 करोड़ 50 लाख रुपए के रहे। छठे दिन भी दोस्तों इस फिल्म के कलेक्शंस काफी स्ट्रॉन्ग आए हैं और इस फिल्म ने इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर जहां 9 करोड़ 55 लाख रुपए कमाए तो वहीं दोस्तों ग्रॉस बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म के जो कलेक्शन है वो लगभग 10 करोड़ से ज्यादा के रहे। तो वहीं दोस्तों ये फिल्म आज अपने 7वें दिन भी इंडियन बॉक्स ऑफिस पर एक बार फिर से स्ट्रॉन्ग होल्ड करती हुई नजर आ रही है और इस फिल्म के आज के भी जो कलेक्शन है वो 9 करोड़ रुपए के आंकड़े को टच करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में इस फिल्म का शुरुआती 7 दिनों का जो कलेक्शन है वो 105 करोड़ रुपए के आंकड़े को टच कर चुका होगा और दोस्तों
दोस्तों, सुपरस्टार अजय देवगन की फिल्म दृश्यम 2 इंडियन बॉक्स ऑफिस पर इस साल बॉलीवुड के लिए एक बड़ी हिट फिल्म साबित हो चुकी होगी। लेकिन अगर बात की जाए यहाँ पर इस फिल्म के वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस की, तो दोस्तों वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म आज लगभग 152 करोड़ रुपए के आंकड़े को टच कर रही है और यह फिल्म वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर अजय देवगन के करियर की टॉप 10 फिल्मों की लिस्ट में शामिल हो चुकी है। कल की दोस्तों इस फिल्म की एडवांस 1 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है। अब देखना यही है कि क्या भेड़िया अपने पहले दिन ज्यादा कमाई करती है या फिर दृश्यम 2 अपने 8वें दिन ज्यादा कमाई करती है। आपके हिसाब से दोस्तों कल की बॉक्स ऑफिस बाजी कौन मारेगा, हमें अपनी राय कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और दोस्तों बॉक्स ऑफिस बॉलीवुड और साउथ से जुड़ी सभी बड़ी अपडेट्स के लिए आपके अपने चैनल रिव्यू बाजार को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।